अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। भाभी वो कल जो कुछ भी अपने घर के अंदर हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, सही नहीं हुआ। ज्योति ने जो टोका वो आपको टोकना चाहिए था। भाभी ज्योति कोई दुश्मन नहीं है अपने किरण की, उसने जो कुछ भी करा वो अपने अपने किरण की भलाई के वास्ते करा। लो पकड़ लो, पकड़ो भैया जी, रेत दो हमारा गला। आपकी बेटी को दो बार क्या कह दी कि बाप का दिल सुलग उठा है। यहाँ हमें अपनी बेटी की शादी उज्जैन में बर्फ गिरने जैसी बात लग रही है, जान सूखे जा रही है। पर किसी को क्या पड़ी, किसी को क्या फर्क पड़ता है कि हम पे क्या बीत रही है। ये कोई क्यों सोचे हैं? अरे जिसके हाथ जो लगे ना पड़ता हमारे माथे पर। अरे खड़े क्यों, मारो ना, काटो भैया जी, काट दो आज। क्या कर रहे हो भाभी? घर में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सबने देखा। क्यों हुआ किसी को नहीं पता। औलाद के भविष्य के लिए ना भाई साहब सही गलत के परे जाके भी सोचना पड़ता है ना। देखो देखो इधर, देखो देखो इन दोनों को, आओ आओ इधर आओ, आओ देखो देखो ध्यान से देखो। जब ये दोनों साथ साथ खड़ी होती है ना तो देखने वालों की किरण की तरफ वाली आंख बंद हो जाती है और ज्योति की तरफ की आंख चुधी आ जाती है। कोई हमारे सामने किरण का हाथ ही नहीं पकड़ना चाहता, पर हमने तो जना है ना इसे, तो पोतने बदलने से लेकर विदाई करने तक का सारी जिम्मेदारी हमारी है ना। आप बताओ आप क्या गलत कर रहे थे हम? अरे नीनी भाभी मेरा वो मतलब नहीं था। टेंशन मत लो दीदी, माँ का दिल जो भी बोले मैं जानती हूँ। महाकाल की पूजा हम दोनों ने साथ की है, तुम देखना हम दोनों के लिए राजकुमार आएंगे घोड़े पर सवार होकर। थुगड़ुक थुगड़ुक। तू अपने घोड़े वाले का इंतजार कर, मैं दुकान जाती हूँ। वो कावेरी डिजाइन स्टूडियो में हमने लहंगा भेजा था ना कल, उसमें कुछ चेंजेस है और वो मुझे 11 बजे से पहले पहुँचाने हैं। मैं चलती हूँ। कोई नहीं है इस ऑफिस में, काम करने वाला कोई काम समय से नहीं होता है तुम सबसे। ए लड़की, सब चेंजेस हो गए ना? गुड। मैम वेदांत सर आपको बुला रहे हैं, सर बहुत गुस्से में। हे यू, ये लहंगा जल्दी से मैनिक्योर को पहनाओ और इसे रेडी करो जल्दी। हाँ मैम, आप मेरी हेल्प करेंगे प्लीज? अगर वेदांत सर भड़क गए ना तो आज सुनामी आ जाएगी। वेदांत? हाँ वेदांत। इतना टाइम क्यों लग रहा है मलिका? What the hell? मैंने कहा था ना सब कुछ टाइम से हो जाना चाहिए, एक काम ठीक से नहीं होता तुम लोगों से। वो क्या रहा है इस ऑफिस में, अंदर क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं और बाहर तमाशा चल रहा है। वेदांत सर आ रहे हैं।
nice, gorgeous. अब स्लो मोशन में काम करने के बजाय लहंगा मैनिक्विन को पहनाओ और प्रेजेंट करो. क्लाइंट की फ्लाइट है. ये भगवान, ये एक ही मैनिक्विन था ऑफिस में, वो भी टूट गया. अब लहंगा किसे पहनेंगे? नया मैनिक्विन नहीं ला सकते. अरे उसमें तो आधा घंटा लग जाएगा, और वेदांत सर की क्रिएटिव वर्कशॉप घर में ही है, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है. आज तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी. प्रॉब्लम? नमस्ते जी. मम्मी जी घर पर हैं? कुछ काम था उनसे. हाँ. माँ बाहर आओ जरा. अच्छा आप जाइए जाइए. आओ. ये हरी यहाँ क्या करने आया है? दीदी को बताना ही होगा. कहाँ लेकर आ गया ये हमें? कहीं से कोई बराबरी तो लग नहीं रही. करोड़ों वाले घर की बहू लानी है मुझे. मैया मोरी आओ. बैठो बैठो बैठो. ये बतौल बाजी कहीं और. जो बालकनी सीट वाली शान है ना, ये जो गाजे बाजे हैं, सब हम ही ने किया है. अगर हजम नहीं हो रहा तो बोल दो, कल ही सड़क पे ले आता हूँ. नमस्ते जी. नमस्ते नमस्ते नमस्ते. अरे आप लोग. आंटी जी एक बहुत जरूरी बात करनी थी आपसे. ला लो ला लो. ये देखिए. गर्दनिया की लटकन, इसमें इतना सोना है कि जौनपुर की खदान में भी नहीं होगा. बैठिए ना. बैठो बैठो. अब बैठिए बैठिए. ये एक और. ना 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 ना. Not for you, not for you. समझे नहीं? अरे आंटी जी, आप भी बिल्कुल अपनी बच्चियों पे गई. उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आता. अरे हम आपके कंधे का बोझ हल्का करके अपने और अपने भाई के सर पर रखना चाहते हैं. खुल के बताओ. अरे रिश्ता लेकर आए हैं आपकी बेटी किरण के लिए, अपने भाई राजन का. राजन का रिश्ता हमारी किरण के लिए? हमारा भाई राजन सीए, मैं उत्तर वो दक्षिण. अच्छा खासा पढ़ा लिखा और नौकरी में खूब कमाता है. आपकी बेटी बिल्कुल खुश रहेगी. और बस एक बात और है, ध्यान से सुनो तो विनती और नौटंकी करो तो धमकी. शादियां दो होंगी, किरण की हमारे भाई राजन के साथ और ज्योति की हमारे साथ. अरे अरे पियो पियो पानी पियो पानी. तो आप बताइए कैसा लग रहा है आपको दोनों हाथों में लड्डू देखकर? ओह गॉड, प्रॉब्लम अभी हुई नहीं है, लेकिन अगर ये लहंगा वेदांत के सामने प्रेजेंट नहीं हुआ तो होगी प्रॉब्लम, जब तुम्हें जॉब से बाहर निकाल दिया जाएगा. और तुम तो भूल जाओ कि इसके बाद तुम्हें कोई भी ऑर्डर मिलेगा. लेकिन मैं ये एक ही. शट अप! अगर एक भी वर्ड और बोला ना तो. Think about it. Mr. Shah हमारे सबसे पुराने और इम्पोर्टेंट क्लाइंट है. मल्लिका उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करेगी. ये रायता तुम लोगों ने फैलाया है तो इसे क्लीन भी तुम लोग करोगे. गई. आज तो मेरी नौकरी गई. मैंने अपनी बहन की शादी के लिए लोन लिया था, अब EMI कैसे चुकाऊंगा? क्या करूं? देखो जी, दोनों बहनों की शादी एक घर में तो नहीं हो सकती. देखिए यहाँ बहनें हैं, ससुराल जाके तो देवरानी जिठानी हो जाएंगी ना. तो आप लोग ना बस हमारी बेटी किरण की शादी राजन के साथ
इसी बारे में सोचिए बस। मिस्टर शाह, मिस्टर अंचल, ये है हमारा सबसे बेहतरीन शादी का लहंगा। It's a beautiful piece of art. ये बेस्ट मटेरियल है जिसे सैटन के साथ मिक्स किया गया है। इस पे कारीगरी ने इसे और भी खूबसूरत बना दिया है। ये बारीक जरदोजी का काम है और इसमें हल्की हल्की रेशम की कढ़ाई। इट्स अ यूनिक प्रोडक्ट। हर दुल्हन का सपना होगा इस लहंगे में सजना। ब्यूटीफुल, जितना खूबसूरत ये लहंगा है उतनी ही खूबसूरती के साथ इसे मैनिक्विन को पहनाया भी गया है। या, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई होप हम इस मैनिक्विन को चला पाते सो दैट इस ड्रेप की खूबसूरती को समझने में ज्यादा आसानी होती। राइट राइट। इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन मिस्टर वेदांत। थैंक यू, आप हमारे प्रीमियम कस्टमर हैं तो ऐसी स्पेशल प्रेजेंटेशन तो बनती है ना। चलिए मैं बाकी डिटेल्स आपको अंदर बताता हूं। श्योर। फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? हेलो,
अरे बैठो बैठो, हम देखते हैं। अब भैया वो दिखाई करें। हरी बेटा ये क्या है? अरे बेटा ये क्या, ये पुतले के ऊपर तुमने हमारी फोटो क्यों चिपका रखी है? अरे बैठा बैठा। सासू माँ आप बड़ी हैं, आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, तो आपको जमीन पे ऐसे पटक के घसीटते हुए लाकर समझाना अच्छा नहीं लगेगा। तो अरे आप आइए 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 माँ, थोड़ा अरे आइए आइए। तो आपको समझाने का ये तरीका ढूंढा है हमने। कौन हो तुम और यहां क्या कर रही हो? जी वो ये लहंगा मैंने ही बनाया था, तो डिलीवरी देने आई थी। मैं जान सकता हूँ ये मैनेक्विन की जगह खुद लहंगा पहनने का स्टूपिड आइडिया किसका था? वो एक्चुअली मैं लहंगा लाई, लहंगा पहना रहे थे तो और इन बेवकूफ लोगों ने सब काम बिगाड़ दिया, राइट वेदांत? नहीं, मुझे भी लगा था सब कुछ बिगड़ जाएगा, बट सरप्राइजिंगली क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन वर्क कर गया। बट रिस्की प्लान था, अगर उनका मूड अलग होता तो शायद ये पूरी प्रेजेंटेशन वेस्ट हो जाती, जो नहीं हुई। सर यहाँ का मैनिक्विन टूट गया था और नया अरेंज करने का भी टाइम नहीं था। क्लाइंट को लहंगा प्रेजेंट नहीं करते तो आप क्लाइंट खो देते और आपका एक एम्प्लॉय अपनी नौकरी। तो तुमने डिसाइड किया कि तुम अपना दिमाग लगाकर अपनी मनमानी पूरी करोगे? यू नो, तुम छोटे लोगों की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की चाहत यहां पूरी नहीं होगी। हाउ अनप्रोफेशनल। मलिका पर्सनल होने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट इन्होंने हमारी मदद की है। अगर ये चाहते तो सॉरी बोल के चुपचाप साइड में खड़े हो जाते, पर इन्होंने ऑन द स्पॉट अपनी गलती को ठीक किया, क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन दी, वो इनकी समझदारी का सबूत है। बचपन से ना हमारी आदत रही है, एक बार जो चाह लिया वो पा लिया। अरे मम्मी हाथ दिखाना अपना जरा। बचपन में हमने किसी चीज की जिद की थी, मेहमानी नहीं, तो हमने उनको हाथ से पकड़ा और करके काट लिया। देखो ये देखो, इतना सूझ गया था, फिर हमारा मन भी खट्टा हो गया था। अरे आप बैठिए ना। आई आई क्या है ना, आज भी हमसे हमारी प्यारी चीज कोई छीनने की कोशिश करता है ना, तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। फिर देखो हमें क्या क्या करना पड़ता है। डालो भाई डालो डालो। मतलब
लो भैया अब हम आपको दिखाते हैं हमारा निशाना। अरे बैठिए बैठिए। एंड प्लीज मलिका, आइंदा छोटे बड़े की बात कभी मत करना। इंसान कहां से आता है उससे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इस बात से पड़ता है कि उसे कहां जाना है। कमोन विदान, बहुत काम बाकी। सर अभी जो आपने लास्ट में लाइन बोली कि फर्क इस बात से पड़ता है कि उसे जाना कहाँ है, वो बिल्कुल मेरे जिंदगी के नियमों से मैच होती है।